सो है और सब गाइज वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्यूटली गुड तो टाइटल और थोम देख के आप भी कहाँ भी होंगे थोड़ा सा आपको भी लगा होगा कि यार ये क्या चीज़ होगी है वैसे ही मुझे लगा था भी जस्ट खेल के मैं घर पे बाहर घर पे आया हूँ जस्ट खेल के ही और आते मतलब इंस्टाग्राम ओपन किया मैंने तो इंस्टाग्राम पर जो चीज़ मैंने देखी सबसे पहले तो मेरे को वही पोस्ट देखी और उस देखिए मैं भी हैरान हो गया यार कि हनी सिंह भैया ऐसा कर सकते हैं या ये बात सच है सो so, हनी सिंह भैया की जो वाइफ हैं शालिनी जी बहुत ही प्यारी थी वो है ना जब हम इनकी मतलब शादी हुई थी नई नई तो इनकी लव स्टोरीज के बारे में सुनते थे बहुत ही प्यारी थी वो सो so, हनी सिंह के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हेरासमेंट का सो so, पूरा मेरे को नहीं पता मैंने जस्ट वहाँ पर इतना ही पढ़ा था पूरी बात इस वीडियो में देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि वीडियो के बीच में है ना पूरी बात उन्होंने क्लियर करी होगी सो आज ही केस फाइल किया उन्होंने तो वीडियो ले रहा हूँ मैं क्या नाम इनके चैनल का बॉलीवुड ठिकाना ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दे रहा हूँ आप भी जाके चेकआउट कर लेना वहाँ से जरूर देख लेना वीडियो इनकी सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस देखते हैं यार मतलब यकीन नहीं आ रहा मेरे को इस बात का हानी सिंह यो यो हानी सिंह यार बहुत बड़ा नाम है और इस नाम पर दाग लग जाएगा बैग बहुत ही बड़ा है ना सो पहले वीडियो देखते हैं फिर करते हैं आप बाकी बातें डिस्कस फिल्म इंडस्ट्री से एक और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है फिल्म इंडस्ट्री के एक स्टार रैपर पर उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वॉइलेंस सेक्सुअल, मेंटल हेरसमेंट का इल्जाम लगाया है।, है ये स्टार रैपर और कोई नहीं बल्कि वो है जो एक एक गाने का एक एक करोड़ चार्ज कर चुके हैं हनी सिंह की मैं बात कर रही हूँ हनी सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं हनी सिंह की वाइफ शालिनी तलवार ने आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में हनी सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें उनकी वाइफ ने हनी सिंह पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें यौन शोषण और दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाने का भी खुलासा किया है हनी सिंह के ऊपर इल्जाम है कि न सिर्फ वो अपनी वाइफ को अब्यूस करता था, मारता था, था, मारता पीटता उसको मेंटली भी टॉर्चर करता था और उसका शारीरिक तौर पर भी काफी शोषण किया हनी सिंह की वाइफ ने यह भी कहा कि हनी सिंह उसकी वाइफ को पर्याप्त खर्चा नहीं देता था पैसा नहीं देता था खुद महीने का चार करोड़ रुपया कमाता है जो उसके शोज से गानों से रॉयल्टी के रूप में और इवेंट से मिलता था ये चार करोड़ रुपया हनी सिंह को कैश में आता है इसके बारे में न वाइफ को कभी जानकारी दी गई और ना ही कभी वाइफ को खर्चा दिया गया हनी सिंह की वाइफ ने यह भी कहा कि जब ये बहुत बड़ा स्टार बन गया तो ये ड्रग्स और एल्कोहल का अडिक्ट हो गया और कई सारी लड़कियों के साथ इसके संबंध रहे अलग अलग लड़कियों के साथ इसने सेक्स किया दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अब हनी सिंह के नाम का एक नोटिस जारी कर दिया है 28 अगस्त तक हनी सिंह को इस पूरे मामले में अपना जवाब देना होगा हनी सिंह का रियल नेम है हृदय सिंह हनी सिंह ने 2011 में शालिनी के साथ शादी की थी शादी से पहले ये दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे हालांकि जब हनी सिंह सुर्खियों में आए स्टार बने तब एक बार एक शो में हनी सिंह ने शालिनी से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था और तब हनी सिंह के फैंस को काफ़ी शौक लगा था कि हनी सिंह मैरिड है कभी इस तरह की बात पता ही नहीं चली अब हनी सिंह की मैरिड लाइफ सुर्खियों में आ चुकी है और वाइफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं हनी सिंह ने बीच में इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था क्योंकि वो एक रैब में गए थे जहां पर उन्होंने अपने जो एडिक्शन थे, उन पर काबू पाया और फिर से हनी सिंह ने अपना करियर शुरू ही किया था एक दो गाने जैसे कि नोटी सैया जी ये हिट हुए ही थे कि अब हनी सिंह एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज़ में फंस चुके हैं और इस बार बहुत गंदी वाली कॉन्ट्रोवर्सी यार हनी भैया की मतलब ये चीज अब पता नहीं कहाँ तक सच्चा कितनी सच्चा हनी भैया ये बताएंगे है ना जब अब कस्टडी में बैठेंगे तो यार मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है आप सभी को भी शौक होगा बहुत ही ज़्यादा और हनी भैया का फ़ैन भी ऐसा ना मतलब इतना ख़तरनाक वाला फ़ैन भी ऐसा हनी भैया का आप सभी को पता ही है सो so, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, न्यूज है। मेरे को यकीन मतलब हनी भैया मतलब जैसा हनी भैया का नेचर है जैसा हमको दिखता है ना अब कैमरा के सामने रियल लाइफ में तो चलो मिले नहीं है या कभी पता नहीं है कुछ इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है लेकिन जो हमने देखा है कैमरा के सामने उनका बिहेवियर बात करने का है ना जैसा उनका नेचर है जैसे हमें दिखता है तो ये चीज़ तो बहुत ही अलग है यार मतलब बहुत ही अलग चीज़ है हानि ब्याह ऐसा कर सकते हैं ना सेक्सुअल हरासमेंट का किए और और लड़कियों के साथ सेक्स करना या जैसा भी बहुत ही यार मतलब ये तो अलग चीज़ है ऊपर से अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है वायलेंसाना मारपीट ये मतलब अलग ही चीज़ है यार मतलब हमने सुना है देखा भी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब नेट पे की इंटरनेट पे की हानी सिंह और शालिनी जी का आपसी प्रेम बहुत ही ज़्यादा था ना मतलब बहुत ही सही है बाकी यार बहुत अजीब सा लग रहा है मतलब सुन के आप सभी को भी शौक लगा होगा तो आप सभी बताओ आप अब आपका क्या रिएक्शन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है जानबूझ के तो शालिनी जी ऐसा कर नहीं सकती जहाँ तक मेरा गैस है ना क्योंकि वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे पीछे और अभी भी हन सिंह भैया के साथ हैं तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ और हनी भी ख़र्चा नहीं देते ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लग रही है पता नहीं क्या यार सो बाकी आप बताओ अपनी राय इस पर कि आपको क्या सही लगता है और बाकी आगे नतीजा देखेंगे अब क्या निकल so, के आता है हैं सो हानी भैया का कैरियर के ऊपर एक और दाग लगने जा रहा है अभी कितना टाइम हानी भैया को आई थिंक दो या तीन थी, तीन साल हुए होंगे दोबारा से आना रिटर्न बैक करें सो so, दोबारा से आई थिंक एक लंबे समय लग जाएगा अब दोबारा से सो so, देखो आगे क्या रिजल्ट आता है बाकी आप सभी की राय होगी जैसे ही पब्लिक या पब्लिक के सामने जैसे ही सच सच आता जाएगा वैसे वैसे डिसीजन बनते जाएंगे सो बाकी आप बताना कमेंट्स में आपको क्या सही लगता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में